क्या आपके बाल बहुत झड़ते हैं? आपके पूरे दिन में कितना परसेंटेज खाना कच्चा होता है, रॉ होता है? शायद कुछ भी नहीं। कच्चे खाने में ही विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, पके हुए खाने में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट होते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स की कमी ही मेन कारण है कि आजकल हर दूसरे बंदे के बाल झड़ रहे हैं, और मेन कारण यही है कि हमने कच्चा खाना बंद कर दिया है। कच्चा खाना यानी कि आपके खाने में रोज दही होना चाहिए, जूस होना चाहिए, फ्रूट्स और सैलेड्स होना चाहिए। मैं हर रोज ऑफिस के अंदर ये फ्रूट्स और सैलेड्स और जूस और ये सब कैरी करती हूँ, तो हर कोई ये सब कैरी कर सकता है। हर रोज आपको कच्चा खाने का अमाउंट बढ़ाइए ताकि विटामिन्स और मिनरल्स मिले और आपके बालों का झड़ना बिना दवाइयों का लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा के लिए ठीक हो जाए। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं विटामिन्स और मिनरल्स सर में बढ़ाने के लिए, कलौंजी का तेल हफ्ते में एक बार सर धोने से पहले जरूर लगाइए। अगेंस्ट, हम इंडियंस ने तेल लगाना बंद कर दिया है। तेल में विटामिन ए, डी, ई, के, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, बहुत कुछ होता है। तो हफ्ते में तेल लगाइए। पूरे दिन का 30-40% खाना आपका कच्चा होना चाहिए, रॉ होना चाहिए। तीसरी चीज, आप जो सीड्स का मिक्सचर आता है मार्केट में, वाटरमेलन, पंपकिन, पपाया सीड्स, वो हर रोज सुबह एक चम्मच खा सकते हैं। उसके अंदर भी अगेन आपके बीज से ही पेड़ बनता है, तो उसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स का भरमार होता है, तो उसको आप हर रोज खाइए। हो सके तो सल्फेट फ्री शैम्पू का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि केमिकल फ्री शैम्पू का इस्तेमाल करें। तो जितना ज़्यादा नेचुरल अपने बालों को रखेंगे, खाने के अंदर नेचुरल रखेंगे, उसको जो साफ करने के लिए शैम्पू यूज़ कर रहे हैं उसको नेचुरल रखेंगे, तो बालों का झड़ना डेफिनेटली कम होगा। इन शॉर्ट, 30-40% आपका खाना आइडियली कच्चा होना चाहिए, रॉ होना चाहिए। डू सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।